भारतीय क्रिकेट टीम ने बुधवार को 150 रन बनाकर जिम्बाब्वे पर जीत हासिल कर पहली टी20 टीम बनाकर इतिहास रच दिया। कप्तान शुभमन गिल ने शानदार अर्धशतक लगाया, जबकि वानसिंह गटन सुंदर ने बेहतरीन गेंदबाजी की, जिससे भारत ने जिम्बाब्वे को तीसरे टी20 मुकाबले में हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली। यह भारत की 150वीं टी20 जीत थी, जो इस प्रारूप में भी किसी भी टीम के द्वारा सबसे अधिक है। पाकिस्तान 142 जीत के साथ दूसरे स्थान पर है, जबकि न्यूजीलैंड 111 जीत के साथ तीसरे स्थान पर है। उसके बाद ऑस्ट्रिया और दक्षिण अफ्रीका का है। इस बीच भारत के कप्तान शुभमन गिल ने 2 गति वाले विकेट पर अपने शानदार टीम प्रयास की सराहना की, क्योंकि उन्होंने तीसरे टी20 में जिम्बाब्वे को 23 रन से हराकर 5 मैचों की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना ली। भारतीय ओपनर गिल ने 49 गेंदों में 66 रन बनाकर फॉर्म में वापसी की और टीम को 4 विकेट पर 182 रन बनाने में मदद की, लेकिन गेंदबाजों ने मेजबान टीम को 6 विकेट पर 159 रन पर रोक दिया। यह भारत की लगातार दूसरी जीत थी, क्योंकि उन्होंने पहले मैच में मिली हार से उबरते हुए बढ़त हासिल की। गिल ने मैच के बाद प्रेजेंटेशन के दौरान कहा, यह हमारे लिए एक महत्वपूर्ण मैच था और जिस तरह से हमने बल्लेबाजी और गेंदबाजी से शुरुआत की वह उल्लेखनीय था। भारत ने दूसरी टी20 में शानदार वापसी की, जहां उन्होंने 2 विकेट पर 234 रन बनाए। या पूछे जाने पर कि क्या इस बात से थोड़ा निराश है कि टीम तीसरी टी20 में 200 रन तक नहीं पहुंच सकी, गिल ने कहा, विकेट थोड़ा तेज है, कुछ गेंदों पकड़ रही थी और लेंथ बॉल को हिट करना आसान नहीं था। हम गेंद को लेंथ पर हिट करना चाहते थे, हम जानते थे कि अगर विकेट में कुछ है तो वह गेंदबाजों के लिए होगा। सलामी बल्लेबाजों से लेकर गेंदबाजों तक सभी ने योगदान दिया।